अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शुक्र? बिल्कुल ठीक ठाक। तो साहबा, बीइंग अ डॉक्टर, आपने ऑफ कोर्स एक स्पेशलाइजेशन चूज की, लेकिन क्या इसमें हुनर यानी कि टैलेंट का भी कोई अमल दखल था? जो हुनर है ना, या जो स्किल जिसको हम कहते हैं, वो दो तरह का होता है। एक इनबॉर्न होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ क्रिएटिविटी जो है वो नेचुरली इनबॉर्न होती है आपके अंदर। कुछ लोगों का हैंडवर्क बहुत अच्छा होता है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। जैसे कुछ लोगों के हाथ में टेस्ट बहुत होता है, मतलब खाना तो सभी बनाते हैं लेकिन टेस्ट किसी किसी के हाथ में होता है। बहुत से लोग बन जाते हैं लेकिन बन जाएंगे, मजे का खाना हर की कोई नहीं बना बिल्कुल सकता। वो टैलेंट जो है वो आपके अंदर इनबॉर्न होता है। फिर एक होता है स्किल। स्किल वो होता है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, जिसको आप सीखते हैं, यू लर्न अबाउट इट, ठीक है। और जो एजुकेशन होती है वो इन सब चीज़ों को पॉलिश करने के लिए। तो ये तो बहुत छोटी और आसान सी बात है कि आपने किसी भी चीज़ को पॉलिश करना है, जैसे आपने पर्सनालिटी को पॉलिश करना है, आपने कैरेक्टर को करना है, आपने स्किल को करना है, आपने टैलेंट को करना है, यू रिक्वायर एजुकेशन। उसकी यही ब्यूटी है। तो ये तो बहुत आसान कैटेगराइज करके हमने आसानी से बता दिया कि इसकी ये अहमियत है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कहेंगी कि कितना को एज अ करियर वुमन इस चीज़ ने हेल्प आउट किया? क्या आपका हमेशा से एक टैलेंट था ब्यूटी के से रिलेटेड और खूबसूरत लोगों को बनाने का? आई थिंक मैं डायरेक्टली तो ये नहीं कहती हूँ कि या कह सकती हूँ या समझती हूँ कि मतलब इस तरह से ब्यूटी रिलेटेड कहूँ, लेकिन एक होता ना कि क्रिएटिविटी, नहीं इस तरह का कुछ नहीं था, बट एक क्रिएटिविटी होती है ना आपके अंदर, कि एक सेंस होती है आपकी, या आप अच्छे तरीके से जज कर सकते हो एंड यू आर गुड ऑब्जर्वेंट कि अच्छा ये इस तरह से नज़र आ रहा है, अगर इसको इस तरह से कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। चीज़ सेम है, ये चीज़ तो थी, ये तो आई कुड अंडरस्टैंड कि हाँ अब मैं फिगर आउट करती हूँ कि ये चीज़ थी। जैसे आप बीइंग एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट या बीइंग एस्थेटिशियन, अगर हम मेरे पास एक फेस आएगा या किसी के पास भी जाएगा, जब फेस, अब देखिए पेशेंट आपको कह रहा है कि मुझे मेरी नोज़ पसंद नहीं है, इसको ठीक करके दे, अच्छा वो आपको कहेगा ये देखिए ये यहाँ से मुझे टाइटनिंग चाहिए, ये इस तरह से टाइट कर दें। देखिए ये उसका वे है टू एक्सप्रेस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए या ये पता करना हमारा काम है या जज करना कि हमने उसके फेस कट को या ओवरऑल उसके फेस को देखते हुए किस चीज़ से प्ले करते हुए सेम फीचर्स रहें और हम करेक्शन दे दें और एनहेंसमेंट कर दें, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। इसी बात को आगे ले जाते हुए एंटी एजिंग की तरफ आते हैं। हर इंसान की, अब एंटी एजिंग आई थिंक टर्म पता नहीं क्यों इतना यूज करते हैं, क्योंकि एजिंग तो होनी है लेकिन आप उसको थोड़ा डिले जरूर कर सकते हैं, राइट? हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो खूबसूरत लगे, यंग लगे, बट ऑब्वियसली एक 50-year-old खातून 15 साल की नहीं लग सकती, लेकिन शायद वो 30-35 के लगभग लग सके। 35 की है तो 35 की तो लगे, 35 की होते हुए जो है वो 45 की तो ना लगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए देखें, अभी हम कह रहे थे कि एजिंग तो होनी ही है, इट्स वेरी नेचुरल, और वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है या प्रोसेस है, और उसने तो उसी तरह से प्रोग्रेस करना है, एजिंग तो होती है। बट आपने देखा होगा कि आपके घर में आप एक छोटी सी चीज़ खरीदते हैं, लेट्स सपोज कि हमने ये फ्लोर जिस वक्त आप लोगों ने लगाया होगा, आप मुझे बताएं कि आप इस फ्लोर को साफ क्यों करते हैं? मत करें। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या ये फ्लोर ऐसा ही रहेगा और यूज में भी है? नहीं रह सकता। उसी तरह से आपने देखा होगा कि शॉल्स हम खरीद लेते हैं, जैसे इस सीजन के शॉल्स आ गए, हमने बड़े मजे से ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, स्टोल्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं, हम उसको सही रखने के लिए, हमें पता है कि हमने इसको कैसे कवर करना है, कैसे पैक करना है फॉर अनदर 7-8 मंथ्स, उसके बाद हम इसको रीयूज करेंगे। अगर आप हर चीज से इतना प्यार कर सकते हैं और उसको इतना मेंटेन कर सकते हैं, तो स्किन तो आपका एसेट है, ये तो अल्लाह मियां ने आपको एक ही दफा देना है या दिया है, जस्ट लाइक योर हेयर, जस्ट लाइक योर टीथ, जस्ट लाइक योर आईज, जस्ट लाइक योर साइट, जस्ट लाइक योर नेल्स, आप इसकी हिफाजत करना क्यों नहीं चाहते? मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए जिस भी चीज को आप छोड़ देंगे, हम ये तो नहीं कह रहे कि शॉल आप सारी जिंदगी इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको भी पता है, ये सबको पता है, हम ये कह रहे हैं कि आपने लिया है, याद रखें आप उसको सही तरीके अगर से रखेंगे। शॉल है की, तो आपने उसको फिर सारी जिंदगी रखना है और वो फिर आपने आगे तो फिर आप उसकी, को भी देनी आप है। उसकी हिफाजत कितनी करते हैं? तो फिर इसी चीज को
लेट्स गेट इनटू स्पेसिफिक्स नाउ. खुराक का आपकी स्किन की मेंटेनेंस और एजिंग को डिले करने से कितना अमल दखल होता है और क्या चीजें आप रेकमेंड करती हैं, क्योंकि आप हमेशा कहती है पहले अंदर से तो सिस्टम ठीक करो ना, फिर मैं बाहर से करूंगी. बिल्कुल, देखिए इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जब हम स्किन एजिंग की बात कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स में नो डाउट फूड इज द टॉप प्रायोरिटी. जो आप खाएंगे, जिस चीज के आपने रिजर्व्स, देखें 24-25 एज के बाद तो आपके रिजर्व्स नहीं बन रहे, आपने रिजर्व्स को यूज करना है. ठीक है, अगर उससे पहले आपकी बॉडी डेफिशिएंट रहती है तो आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन से रिजर्व्स हैं. जस्ट लाइक आपके बैंक के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो आप उसे जब यूज करना चाहते हैं पैसों को, तो उस अकाउंट में से क्या निकलेगा जिसको आप यूज करेंगे. दिस इज द सेम थिंग. आपने अपने पास अपनी बॉडी में अपने लिए क्या रिजर्व्स जो हैं वो जमा किए, क्या इकट्ठा करके रखा कि आप इसको टाइम बाय टाइम पे यूटिलाइज करेंगे. वो क्या रिजर्व्स हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हम हीमोग्लोबिन या आयरन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. देखें, दैट इज द लाइफ, ऑक्सीजनेशन इज द लाइफ. ऊपर से ऑक्सीजन दे दें, वो जगह ठीक हो जाएगी, वो चीज ठीक हो जाएगी. उसी तरह से अगर अंदर आपकी बॉडी में जो है उसका प्रोपोर्शन या उसका परसेंटेज ठीक है, यू आर हेल्दी. उसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े चंक्स में या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटमिन्स होते हैं, या जिनको हम हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, जैसे वाइटमिन डी जो है वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है. वो आपका हॉर्मोन भी है, वो आपका एसेंशियल वाइटमिन भी है, वो आपको जितनी भी डिजीजेज हैं उनसे दूर रख सकता है, बिकॉज वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी ये चीज़ पूरी होनी चाहिए. बट यू कैन सी कि जी विटामिन डी और कैल्शियम, दे आर साइड बाय साइड, दे आर ऑलवेज पैरेलल. अगर एक विटामिन डी कम है तो कैल्शियम तो डेफिनेटली कम है, अगर कैल्शियम कम है तो विटामिन डी पूरा ही नहीं हो सकता. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. उसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसी तरह से अगर हम देखें तो ट्रेस एलिमेंट्स में हमें मैग्नीशियम चाहिए, हमें सिलीनियम चाहिए, हमें उसके अलावा जो है वो जिंक चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेस एलिमेंट्स में चाहिए. अगर आपके रिजर्व्स अच्छे होंगे देन यू आर ऑफ. इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिजर्व्स इतने अच्छे रखे थे कि जब आपकी चीज़ें बनना बंद हो गई तो आप उन रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकेंगे. ये तो आपकी फाउंडेशन हो गई, बेस हो गई, इंटरनल फैक्टर्स हो गए. अब हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो बाहर के क्या असरात हैं जो हमारी स्किन को एजिंग की तरफ ज़्यादा स्पीड से लेके जाती हैं. मैंने तो कहा कि अगर 50 साल की खातून 35 लगना चाहती है, उन्होंने कहा कि 35 साल की खातून जब 50 की लगती है तो बहुत ही दुख होता है. और वो इसलिए होता है क्योंकि हम इंटरनल फैक्टर्स, अपनी खुराक को, अपने उठने बैठने को, वर्जिश वगैरह, बहुत सी चीज़ें इंटरनली अपने आप को नहीं करते. अब ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें एक्सटर्नली हमारे चेहरे पे और हमारी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाती है और फिर उसका हल क्या है. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. डॉक्टर नशीबा सलमान हमारे साथ हैं. डॉक, व्हाट्सअप? हाँ जी, अब हम बात करेंगे. अच्छा, मैंने कहा व्हाट्सअप का जवाब ही नहीं दिया. अब हम अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे. उसकी तरफ आ जाते हैं, एजिंग. जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसमें सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर जब कल्प्रिट्स को लिखा जाएगा तो सनलाइट लिखा भी जाएगा. जी, इसलिए कि हम तो पढ़ते भी हैं. और सबसे ऊपर जब भी आप देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर सन एक्सपोजर. अभी आपने ब्रेक से पहले कहा विटामिन डी, अब आप कह रही हैं सन एक्सपोजर. देखिए विटामिन डी कितना आएगी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ विटामिन डी के बारे में. इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. विटामिन डी तब बनेगा जब एक्सपोज्ड स्किन होगी. आपके हाथों और गर्दन से आपकी विटामिन डी नहीं बनती है. एक्सपोज योरसेल्फ देन, एक्सपोज योर स्किन इनटू दैट, you know, into that specific time period of sunlight, जिसमें sunlight जो है वो friendly होती है, कदरे बेहतर होती है और वो harmful नहीं होती है, like before 11 a.m. and after 3 p.m.
उसमें आप अगर एक्सपोज रखेंगे अपनी स्किन को इन दैट सनलाइट, तो फिर विटामिन डी बनेगी। ऐसे तो बन नहीं सकती कि कपड़े आपने पहने हुए थे, शॉल ली हुई थी और फिर आपने माल्टे खाने शुरू किए और आपने सोचा कि जी मेरी विटामिन डी बन जाएगी, वो नहीं बन सकती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे बच्चे हैं ना, हमें पता नहीं होता या हमें अंदाज़ा नहीं होता, बच्चे जो हैं उनका आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली हमसे, बड़ों से ज़्यादा होता है। स्कूल में भी आप देखें कि वो जो है वो इसमें एक्सपोज्ड या सन एक्सपोज्ड होके एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अपनी गेम्स कर रहे होते हैं, और उस वक्त क्योंकि वो छोटे होते हैं और एक्सपोजर बहुत होता है, लेकिन हमें भी नहीं पता होता मदर्स को, और उनको प्रोटेक्शन अगर वो नहीं यूज़ करते हैं तो जितना भी आपका डैमेज है वो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हो चुका हुआ होता है। अब वो सारे का सारा जो है वो आपको बाद में शो होगा। अभी आप बात कर रही थी, एक वर्ड आप बोल रही थी ना कि वो अनड्यू एडवांटेज की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी नेचुरली स्किन बहुत अच्छी होती है, अच्छा वो भी अनड्यू एडवांटेज लेते हैं अच्छी स्किन का, और वो समझते हैं कि ये तो सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। भाई आप जितना महंगा, आप शातूस की बात कर रही थी, आप ले लें, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगी तो क्या आपने जो सोचा हुआ है वो वैसे चल जाएगी? छिछड़े जैसा। ये उस बेचारी का कसूर तो नहीं है, ये तो हमारा कसूर हुआ ना कि हमने उसको मेंटेन नहीं किया या हमने उसको उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जिस तरह से उसको ज़रूरत थी। और जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें फिर जो चीज़ें आप स्किन पे अप्लाई करते हैं, जो आपकी डेली रूटीन होती है कि आप उसे कितना वॉश करते हैं या किस तरह से उसकी हाइजीन मेंटेन करते हैं, और क्या ऐसी एप्लीकेशंस हैं इंक्लूडिंग योर कॉस्मेटिक्स एंड इंक्लूडिंग रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, जैसे नाइट क्रीम्स हो गई या मॉइस्चराइजर हो गए, क्या क्या चीज़ें डेली रूटीन में करनी चाहिए? एजिंग आप कह रही है ना कि 25 के बाद प्रॉपर शुरू होती है यूजुअली, बिल्कुल देखिए उससे पहले होनी नहीं चाहिए। अगर 18 साल की उम्र पे मुंह पे आपके रिंकल्स आ गए हैं, हालत खराब हो गई है, तो फिर तो पता नहीं क्या बेड़ा गरक आपने अपना किया है। जी, इसमें ये होता है कि इसमें डिफरेंट तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, ऐसी स्किन टाइप्स भी होती हैं जो एक्सट्रीमली ड्राई होती हैं। जब वो ड्राई होती हैं तो आपको क्रिंकली फीलिंग होगी स्किन के ऊपर, दैट इज नॉट प्रॉपर रिंकल, रिंकल नहीं होता वो, वो आपको फाइन लाइंस की तरह से एक्सेंचुएटेड लाइंस नज़र आ रही होती हैं, जैसे एक्सप्रेशन लाइन है वो तो नॉर्मल है, वो तो सभी की बनेगी, बट ऐसा बंदा जो होगा उसकी एक्सप्रेशन लाइन एक नहीं होगी, उसकी चार चार पांच पांच बन रही होंगी, जैसे एक प्रॉपर बन रही है और उसके साथ बहुत सारी फाइन लाइंस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। उसको फिर लोग ऐसे बताते हैं हमें कि मेरी स्किन जो है वो एजेड हो रही है, जबकि आप कहते हैं कि इस एज में कहाँ से एजेड हो रही होगी? और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम उनसे करेंगे वो होगा कि आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई तो नहीं है, और या फिर ये होता है कि आप समटाइम्स ऑयली होती है या सीबम ज़्यादा बनता होता है और लोग उसको इतना ज़्यादा ओवर ड्राई कर देते हैं कि आपकी स्किन जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसे समझ नहीं आता। ओवर ड्राई से मुराद कि आपने बार बार बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के साबुन या क्लेंजर्स को यूज किया और इतनी दफा दिन में किया कि आपका मुंह जो है वो बिल्कुल पापड़ की तरह ड्राई हो गया, आप तो खुश हो गए लेकिन स्किन का बेड़ा उससे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप रेगुलर रूटीन यूज में नहीं रख सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि साइंस क्या होते हैं जिसको देख के आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है वो एजेड हो रही है या नाउ यू हैव गॉट एजेड स्किन। जो साइंस होते हैं उसमें अनइवन टोन, लेस इलास्टिसिटी, जैसे आप स्किन को ऐसे करके पकड़े और ये वापस अपनी जगह पे नहीं जाती, बहुत स्लो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ओपन पोर्स, उसके अलावा फाइन लाइंस एंड देन सैग। फिर हम सैग पे आएंगे कि आपको वो लटकी हुई या उतनी टाइट फील नहीं होती जितनी पहले थी। ये सारा कुछ जो है उसमें जो अगर हम देखें इनसाइड द स्किन होता क्या है, That is less collagen elastin construction के बनती कम है, वो build up नहीं होती उस तरह से जैसे पहले normal age में हो रही होती है। आप collagen elastin को ऐसे ही समझें जैसे cement होता है, जैसे आपने ईंटें जोड़ी हुई हैं तो आपने cement के through उसको जोड़ा हुआ है, या आपने blocks जोड़े हैं तो आप cement के through जोड़े हैं ना, वो cement जो है अगर उसमें cracks आना शुरू हो जाएंगे या अब उसकी holding capacity पहले जैसी नहीं रही है। स्किन ड्राई क्यों हमें लगती है विद एज? बिकॉज कि जो हमारी स्किन है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली विद टाइम एंड एज कम होती जाएगी। और आपने सुना होगा कि अगर पहले टीन एज में या वैसे दरमियान में भी अगर आपकी स्किन जो है मेच्योर टाइम एज में भी आपकी स्किन नॉर्मल रहती थी तो लोग कहते हैं कि अब मेरी स्किन ड्राई रहना शुरू हो गई है, अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रह रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है, पहले तो ऐसी नहीं थी, अभी एकदम से इसको क्या हो गया। फीमेल्स की स्किन और मेल्स की स्किन जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। फीमेल्स की स्किन जो है वो मेनार्की से पहले
किसी और तरह से बिहेव करती है, मेनार्की के बाद किसी और तरह से करेगी, चाइल्ड बेयरिंग एज में किसी और तरह से करेगी और उसके बाद किसी और तरह से करेगी, और फिर जो हार्मोनल चेंज आता है आफ्टर एवरी डिकेड उसमें भी, हर 10 साल के बाद जो चेंज आता है उसमें भी वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। अच्छा प्री, हाँ जी बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मसला ही कि दुख हर 10 साल के बाद आता है। नहीं, दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी हैव गॉट फीमेल्स में ऐसे अच्छे हॉर्मोन्स, या इन हॉर्मोन्स की वजह से उनको हार्ट अटैक नहीं होता, कभी वो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगी। कभी कभी खवातीन में टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, जो मेल हॉर्मोन है, कभी कभी वो ना होने की वजह से भी कुछ, मैं मुझे रिसेंटली पता चला कि बीमारियां हो जाती नहीं, बट वो तो ट्रेस एलिमेंट्स में हमें चाहिए, वो ना ही हो तो अच्छा, इतना ही होना चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स में ही होना चाहिए। नहीं, बट वजन बड़ा कम होता है अगर टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है वजन, मैं वैसे बात बता रही हूँ ये मैंने सुनने में। देखिए ऐसे तो फिर हम, आपको पता ना, मैं जीवन भर रिसर्च हमेशा आपके सामने लेके आती हूं। तो फिर ये होना चाहिए कि हम मेल्स में ग्रोथ हार्मोन देना चाहें और देना शुरू कर दें तो वो तो क्या बात है, उसके तो मसल्स ही मसल्स बनेंगे, वो आपको 90 ईयर्स ओल्ड होते हुए 25-24 ईयर्स ओल्ड लगेगा। तो इसीलिए बट हॉर्मोन्स के साथ आप प्ले नहीं करते हैं, और इट्स वेरी वेरी ट्रिकी कि आपको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्री मेनोपॉज, जब आपके पीरियड्स जो हैं वो उतने रेगुलर नहीं रहते औरतों के विद टाइम एंड एज, और वो जो है वो स्किपिंग में आते हैं, जैसे उनका कोई ड्यूरेशन नहीं रहता, बहुत देर से होना शुरू हो जाएंगे, रेगुलरिटी नहीं रहेगी और फिर वो बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद फॉर सम हाउ आपको लगेगा कि मैं एकदम से जल्दी जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो गई हूँ। अल्लाह मियाँ ने जो एक नेचुरल शील्ड थ्रू दीज हॉर्मोन्स औरतों को दी हुई होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आप पेरीमेनोपॉजल होते हैं, वो स्टेज जो उससे बिल्कुल पहले का होता है, उसके इंडिकेटर्स आने शुरू हो जाते हैं, तभी आप अपने डॉक्टर यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से तो रुजू करें, लेकिन उसके साथ साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं और उनसे प्रॉपर सर्टिफाइड चक्स एविंग, कोई पार्लर वाली आंटी के पास नहीं आपने जाना, उनके पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और बताएं कि जी मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, ये मेरे टेस्ट हैं। हो सकता है कि वो डॉक्टर के कोलैबोरेशन के साथ मिलके, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता तो विद एज ऐसी डिजीजेस भी हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उसके साथ जो है वो डायबिटीज, मतलब ज्यादातर लोगों के अंदर ये चीजें आ रही होती हैं, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि आप इनको क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। अब हम आ जाते हैं कि हमने आपको साइंस भी बता दिए, अब हमने करना क्या है। सबसे पहले तो मदर्स को पता होना चाहिए कि बच्चों का एक्सपोजर उनसे या बड़ों से कहीं ज्यादा है। एट द एज ऑफ 7 एंड अबव उन्होंने उनको आदत डालनी है कि वो सन प्रोटेक्शन रखें और उसके साथ वो सारी की सारी अपनी एक्टिविटीज करें। जब बच्चा 10 इयर्स या उससे अबव होता है तो फिर उसकी स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें स्पेसिफिक शैम्पू होना चाहिए और जो आपका फेस वॉश है या मॉइस्चराइजर है या सन ब्लॉक है वो अकॉर्डिंग टू दी स्किन टाइप होना चाहिए, उस वक्त तक वो बन चुकी हुई होती है। इधर मैं छोटी सी बात पॉइंट आउट करूंगी, आई नो बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, बट ये कहना जरूरी है, शैम्पू तक आपकी स्किन पे असर करता है, ये इन्होंने एक बार डेफिनेटली बड़ी दफा में डाई लगा रहे होते हैं वो भी आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। फिर हम आ जाते हैं कि आपने क्या करना होता है कि 25 इयर्स ऑफ एज से पहले पहले आपने रिजर्व्स बनाने हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उससे पहले आप जो चीज़ें या प्रोडक्ट्स यूज़ करवाते हैं वो फ़र्क होती हैं। अब 25 के हो गए, अब करना क्या है? सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप एक दफ़ा जो है वो एक्सपर्ट के पास चले जाए और उससे पूछ लें कि देखें जी, मैं अब 25-26 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरे एक दो बच्चे भी हैं, आप मुझे बता दें कि मैं एजिंग से बच कैसे सकती हूँ, हाउ कुड आई डिले इट एंड हाउ शुड आई मेंटेन माई स्किन। उसमें फिर ये होता है कि जो इनिशियल चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहले ग्लाइकोलिक एसिड आता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो बहुत ही मज़े की चीज़ है जिसको आप सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपकी स्किन को दो फायदे देता है। एक तो आपकी पिगमेंटेशन या अनइवन टोन नहीं होगी और सेकेंडली आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए, स्मूथ रहेगी और वो एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करता है। फिर हम आ जाते हैं रेटिनॉल्स एंड प्रो रेटिनॉल्स विथ सिरेमाइड्स। अच्छा, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ करवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छे टाइम पे या एक्चुअल टाइम जिस पे रिक्वायर्ड है उस पे स्टार्ट कर लेंगे तो यू कैन डिले दी एजिंग। जब हो जाती है तो फिर तरीका फ़र्क होगा, फिर आपको प्रोसीजर्स भी रिक्वायर्ड होंगे, क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो हम ही करेंगे आपके लिए क्लिनिक्स पे, और उसके अलावा आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। और अगर हमने एक दफ़ा करेक्शन भी कर दी है तो यू स्टिल रिक्वायर दी मेंटेनेंस थ्रू दी एप्लीकेशंस, क्योंकि वही 24/7 आपको
रखेंगे सही करके। और इसीलिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। इवन दो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर साहिबा ज्यादा गेन करेंगी अगर आप प्रोसीजर्स कराएंगे, बोटॉक्स, फिलर्स, लिफ्ट्स वगैरह, इन चीजों के ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहिबा जो हमेशा कहते हैं कि भाई हम प्रिवेंशन की बात करेंगे और मेंटेनेंस की बात करेंगे, अगर हम ये चीजें कर लें तो हम इन प्रोसीजर्स को डिले कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली और यही सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। थैंक यू सो मच डॉक, आई विल सी यू।